पहना है और नीचे मैंने शॉर्ट्स पहने हैं और मैंने इसको शू के साथ पहन लिया है। Hi everyone, I hope you all are safe at home. अगर आपके भाई ने आपकी पिक्चर क्लिक करने से मना कर दिया हो और अगर आपकी बहन ने आपकी पिक्चर क्लिक करने से मना कर दी हो तो पहले इनको पीटो यार, पहले मारो। और उसके बाद इनको बोलो जब तक सादा गर्ज करे तब आया तब बताओ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स खुद से क्लिक करती हूँ। इजिली आप खुद से अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए ट्राइपॉड, एक फ्रेम, फ्लावर्स, स्काई जहाँ पे आपका स्काई दिख रहा है, और एक अच्छा फोन। अच्छा फोन मतलब जिस फोन में आपकी अच्छी पिक्चर्स आती हैं आप उसमें क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं पे भी अटका सकते हो, उसको लगा सकते हो। मैंने पूरा शूट बिना ट्राइपॉड के साथ किया है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। मैं इस फ्रेम का भी यूज करने वाली हूँ कुछ पिक्चर्स के लिए। तो ये फ्रेम आप खुद से भी घर पे बना सकते हो, वुड से या फिर किसी कार्टून के बॉक्स से कट करके आप इसे फ्रेम के शेप में बना सकते हो। और नहीं तो फिर जो फैंसी मिठाई के डिब्बे आते हैं या चॉकलेट के डिब्बे होते हैं तो उनमें आपको ऐसा फ्रेम मिल जाएगा। मुझे ये चॉकलेट के डिब्बे से मिला है तो मैंने इस फ्रेम को बहुत पहले से ही संभाल के रख लिया था कि मुझे पिक्चर क्लिक करनी है और मैंने इसका यूज़ किया है पिक्चर में अलग अलग डायरेक्शन से। जिस साइड सन था उस साइड भी ट्राई किया, कैमरे में देख करके भी ट्राई किया। परफेक्ट शॉट नहीं मिला है। फ्लावर को मैं ऊपर उड़ाऊंगी ऐसे और फिर स्लो मोशन में मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। इस पिक्चर के लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, नीचे जमीन बहुत गर्म थी, बहुत ज्यादा। तो मैं पहले टॉवल के ऊपर बैठी हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, फिर उसको मैंने टॉवल हटा के फिर वापस से रिकॉर्ड किया है। एक और प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा थी, तो जैसे ही मैं फ्लावर उड़ा रही थी हवा चल रही थी तो मेरे सारे फ्लावर जा रहे थे। तो इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बहुत बारी ट्राई करना पड़ा ये शॉट लेने के लिए। जो भी आपको परफेक्ट लगेगा चाहिए उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पिक्चर देख सकते हो। अब इस पिक्चर में मुझे स्काई चाहिए था तो स्काई के लिए जो लाइटिंग थी और जो स्काई था वो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट थे। जिस साइड मुझे लाइट मिल रही थी उसके ऑपोजिट बिल्डिंग थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस पिक्चर को क्लिक करने के लिए। लेकिन मैंने फिर भी मैनेज किया, थोड़ा बहुत कोशिश किया कि मुझे मेरा परफेक्ट शॉट मिल जाए। तो मैंने बहुत सारे पोज ट्राई किए इसमें। इस लोकेशन में मैं अपना फ़ोन नीचे रख रही हूँ और मैं यहाँ से पिक्चर्स क्लिक करूँगी। खुद से पिक्चर क्लिक करने के लिए आपको टाइमर का यूज़ करना पड़ेगा। 3 सेकंड का यूज़ कर सकते हो, 10 सेकंड का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप जल्दी से जल्दी क्लिक कर सकते हो तो आप 3 सेकंड का यूज़ करो, अगर आप आराम से अच्छे से पिक्चर चाहते हो तो आप 10 सेकंड का यूज़ करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 10 सेकंड का यूज़ करो ताकि जहाँ पे आपने फ़ोन अपना रखा है वहाँ से आप अपनी जगह पे पहुँचने के लिए और पोज करने के लिए आपके पास इनफ टाइम रहेगा। तो आप 10 सेकंड का टाइम यूज़ करो, मैं 10 सेकंड का ही यूज़ करती हूँ। जब भी मैं टाइमर लगा के पिक्चर क्लिक करती हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये है मेरा फाइनल आउट। अब जिनको ये सारे चोचले नहीं अपनाने हैं उनके लिए भी मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी हैं, सिंपल तरीके से पिक्चर्स क्लिक करी हैं, सिर्फ पोज ट्राई किया है। इसके लिए आप ऐसा सिंपल बैकग्राउंड ले सकते हो जहाँ पे आपकी लाइटिंग अच्छी पड़ रही हो और यहाँ पे आप सिंपल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। इस लोकेशन पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया हुआ है, आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो। इन पिक्चर्स में मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ, आप अपने हाथ को इस तरीके से रख सकते हो शोल्डर पे, बहुत लाइटली मैं इसको रख रही हूँ सो दैट अच्छा दिखे एंड कैमरे की तरफ देख रही हूँ मैं इस पिक्चर्स में। अगर आप ऐसा नहीं ट्राई करना चाहते तो आपके लॉन्ग हेयर है तो हेयर की तरफ देखो और एक्सप्रेशन दे सकते हो, लाइट की तरफ देख सकते हो, और या फिर अपना लेग एक ऊपर रख करके, इसमें फुल फोटो नहीं आया बट जहाँ तक आप देख पाओगे एक लेग ऊपर करके रख कर सकते हो, क्यूट
और सेक्सी एक्सप्रेशन आप ट्राई कर सकते हो। इन सब में से ये लाइट की पिक्चर्स हैं जो मेरी, मुझे परफेक्ट पिक्चर मिली। बहुत प्यारा है यहाँ पे, मैंने इंस्टाग्राम पे फोन अपना अटका करके जैसे तैसे पिक्चर्स क्लिक करी हैं। आप लोग के भी आसपास अगर ऐसा फ्लावर वाला एरिया है तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आपको ऐसी अच्छी लाइटिंग मिले जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे अच्छी लाइटिंग है, ट्राई करो कि आप लाइट के सामने रहो, लाइट के ऑपोजिट मत रहो, बिकॉज फिर आपका फोटो अच्छा नहीं आएगा लाइट के ऑपोजिट रहोगे तो। क्या आप देख सकते हो ये है फाइनल आउटपुट। अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सा पिक्चर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जिनको नहीं पता है कि कैसे पिक्चर क्लिक करनी है, या जो लोग पिक्चर्स ऑलरेडी क्लिक करते हैं उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे मैंने इससे रिलेटेड पोल भी डाला था तो ज़्यादातर लोगों ने फोटोशूट पे किया है तो इसलिए मैंने फोटोशूट वाला वीडियो बनाया है। हेयर स्टाइल वाला भी बनाऊंगी मैं जल्द, हेयर स्टाइल वाली वीडियो में लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय।